हेलो, मेरा नाम है धर्मपाल और आप सभी देख रहे हैं स्टडी हार्ट। तो अब मैं बात करने वाला हूँ बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू। तीन पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, आज ये पार्ट फोर है। अगर आपने वो पार्ट तीन पार्ट नहीं देखे तो देख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन मैंने उसमें डिस्कस किए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो इक्थियोलॉजी कहलाता है आपका मछलियों से संबंधित अध्ययन। ये एक नंबर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल और 10 प्लस 2 एग्जाम के लिए, पूछा ही पूछा जाता है लगभग हर साल, आप देख भी सकते हो उठा के। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, अगर हमने इक्थियोलॉजी की बात करी तो साथ ही साथ मैं बात करें तो ऑर्निथोलॉजी की। ऑर्निथोलॉजी में किसके चीज़ का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी किस चीज़ के नाम है, इससे भी एक नंबर क्वेश्चन आता है। आप सभी को पता होगा, वन वर्ड में भी आपने देखा है ऑर्निथोलॉजी पूछा जाता है, ज्योग्राफी में भी आता है। बायोलॉजी के लिए तो सबसे अच्छा क्वेश्चन। ऑर्निथोलॉजी में बेसिकली हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। एक तो आपका ऑर्निथोलॉजी हो गया, एक आपका इक्थियोलॉजी, अभी एक धाव जिसको हम वाउंड कहते हैं इंग्लिश मीडियम में बच्चे, वाउंड, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो ट्रोमेटोलॉजी का, ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है वाउंड, ठीक है, इसका अध्ययन। उसके बाद है कि पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, मतलब किस चीज़ को, किस परत को, किस लेयर को ये नुकसान पहुंचा रहा है जो कि ये प्रदूषण पैदा करता है, जिसके द्वारा प्रदूषण पैदा होता है, वो ओथरी परत को आप वो डैमेज कर रहा है, उसके द्वारा जो प्रदूषण फैलता है वो ओथरी परत को पतला एवं कमज़ोर कर रही है। क्वेश्चन नंबर चार बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप विश्वास नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन IAS एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी पहले पूछा गया था, मुझे सन नहीं याद, पर ये क्वेश्चन IAS एग्जाम में पूछा गया। आप देख भी सकते हैं कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। अगर जल प्रदूषण है नदी में, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि मुझे ये नापना है कि इस नदी में कितना जल प्रदूषण है, तो आप कैसे नापेंगे। तो O2, उस नदी में O2 की घुली हुई मात्रा से हम पहचान कर सकते हैं कि उस नदी में जल प्रदूषण की मात्रा कितनी है। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि ओजोन ये क्षेत्र है, वहाँ पे ओजोन लेयर ये कर रही है वो कर रही है, तो वो कहाँ पर स्थित है, ये आपने डिस्कस नहीं करा। SSC में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ मैं कि वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वो कहाँ स्थित है, वो अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। क्वेश्चन नंबर छः काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष, UPPC 2007 में आया गया एग्जाम है, क्वेश्चन है ये, बताइए धूल प्रदूषण के लिए कौन सा वृक्ष लगाना उपयुक्त है। तो नीम का वृक्ष लगाइए, काफ़ी उपयुक्त है। और यहाँ पर मैं जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूँ कि आपने ऑर्निथोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है, इक्थियोलॉजी पढ़ लिया, अब आप मुझे बताइए कि हिस्टोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। अगर आप बताएंगे मुझे कमेंट करके तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और यही कुछ क्वेश्चन मुझे आपसे डिस्कस करने थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो अगर यूज़फुल लगा आपको तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े और वो भी कुछ नया सीखें अपने घर पर बैठ के, और पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। मिलता हूँ मैं आपके साथ थोड़ी ही देर में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।